दरअसल क्या है कि मैं जब अर्पिता की डिलीवरी के समय पर जब सलमान खान ने मुझे बुलाया था बॉम्बे में, तो उस वक्त ये सब बात चली थी और हमने ये कहा था कि मैं तो हिंदूवादी हूँ, ये लोग आसिम रियाज को विनर बनाना चाहते थे। मैंने कहा कि फिर मैं आपका फिनाले नहीं होने दूंगा, मुझे तो सिद्धार्थ शुक्ला चाहिए विनर। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि एक तो पहले से वो मेरा धर्मपुत्र है, उसकी जो माँ है रीता शुक्ला, नहीं, आसिम केवल मुस्लिम है, इस वजह से आपने मना किया था क्या? मैं मुस्लिम विरोधी हूँ। और दूसरी बात, आसिम ने धोखा दिया था सिद्धार्थ शुक्ला को, वो छोटा भाई बनकर के रहा और बाद में अपने मतलब के लिए, और जो उसने स्वीकार भी कर लिया बिग बॉस शो के दौरान कि हाँ मैंने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए मैंने उसको धोखा दिया सिद्धार्थ शुक्ला को, और ये बात पूरे बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट थे उन लोगों ने भी कहा, पारस वगैरह ने भी कहा और वो रिकॉर्ड में भी आया, सबने कहा कि ये आसिम रियाज धोखेबाज है, उसने शुक्ला को अच्छा धोखा स्वामी दिया। जी, बिग बॉस के अंदर लव एंगल बहुत दिखाया जाता है कि लोग एक दूसरे, अश्लीलता भी थोड़ी परोसी जाती है, तो ये स्क्रिप्टेड है कि ये समाज को वाकई में बिगाड़ रहा है कि कैसे, मतलब समाज के बिग लिए बॉस कितना में घातक सब कितना बिग अच्छा बॉस है? में बिग बॉस शो में सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। आप ये देखिए कि यदि ये स्क्रिप्टेड नहीं होता तो जब शुरू में अमीषा पटेल जब गई थी और लिप लॉक करवाया था सेब खिलाने के बहाने से, तो उस वक्त आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में मैंने उसके खिलाफ रैली चलवाई थी, पूरे इंडिया में चलाई थी और टीवी चैनलों में भी मेरा ये बयान चला था कि यदि ये इस तरह से लिप लॉक दिखाते रहेंगे तो मैं बिग बॉस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और उस वक्त बिग बॉस शो को बंद करने के लिए मेरे जो लाखों भक्त हैं उन लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए थे। मैंने गवर्नमेंट से भी बात कर ली थी, नरेंद्र मोदी से भी बात कर ली थी। स्वामी जी, आप बिग बॉस में कितने दिन रहे हैं? मैं 90 दिन रहा। 90 दिन आप बंद कराने की बात कर रहे हैं, आप खुद बिग बॉस में 90 दिन रहे हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि मेरी तो मजबूरी थी ना भाई, मैं तो बिग बॉस मैंने कभी देखा नहीं था, पहले मुझे पता ही नहीं था कि बिग बॉस क्या तो होता नब्बे है। दिन समझने में लगे आपको? 90 दिन तो मुझे मजबूरी में रहना पड़ा, मुझे बलात्कार के केस में अपने आपको फंसाना नहीं था, मुझे अपनी हत्या नहीं करानी थी। हमारे शास्त्र में लिखा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वामी जी, पहले शरीर है उसके स्वामी बाद जी, दुनियादारी स्वामी है। जी, मतलब इसका मतलब यह है कि आपको कोई ब्लैकमेल करे, आप ब्लैकमेल हो जाएंगे, फिर संत कैसे हो आप? आप तो भगवा है, आप क्या करके भैया संत हिंदू का धर्म मतलब, संत है? का मतलब ये नहीं है कि आसाराम बापू की तरह फंस जाओ और जिंदगी जेल में गुजार नहीं, दो। बिग बॉस जाने से पहले कहा गया था रेप का आरोप आप पर लगवा नहीं देंगे, नहीं बिग बिग बॉस बॉस में अंदर एंट्री करने के के बाद। कैद में जब मैं चला गया हाँ उद्घाटन से पहले, उद्घाटन तो मैंने ही किया है ना, आपने देखा होगा कि सीजन 10 का उद्घाटन मैंने ही किया था और फर्स्ट कंटेस्टेंट में के रूप में मुझे ही सलमान खान ने दिखाया था, तो वहां पर स्टेज पे जाने से पहले ये बात हुई थी सलमान खान वाले हॉल में, उसमें दीपिका पादुकोण, सलमान खान, बिग बॉस के सभी पदाधिकारी, ये लोग सारे के सारे थे। और उस वक्त दीपिका पादुकोण ने मुझे ये कहा था कितना कि पैसा मिला था आपको बिग बॉस में जाने का? भैया मेरा जाने से पहले इन लोगों ने कहा था कि 5 करोड़ ऑफ द रिकॉर्ड देंगे, 1 लाख रुपया पर डे देंगे, उसके हिसाब से 5 करोड़ 90 लाख मेरा बनता है। लेकिन सलमान खान ये कहते हैं कि गुरु जी इसके जो फाइनेंसर हैं वो दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये अजहर मसूद, ये लोग सारे उसके ISI, ये लोग उसके फाइनेंसर हैं, इसीलिए हिंदू धर्म के खिलाफ ही चलाते हैं एजेंडा जानबूझ करके। तो सलमान खान ये कहता है कि ये जो आतंकवादी लोग हैं ये मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन ये कहते हैं कि यदि तुम पेमेंट करोगे तो सलमान मैं तुम्हें तुम्हारी मैं हत्या करा दूंगा, और आप भी नहीं चाहते हैं कि सलमान की हत्या स्वामी हो। जी, आपका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा बचपन से नाम यही है स्वामी ओम जी, स्वामी ओम। अपने नाम के आगे स्वामी लगाते हैं? मैं स्वामी, नहीं लगाता स्वामी हूँ, ये तो नहीं, शुरू से मेरे गुरु जी ने चलिए ही नाम गुरु रखा जी ने हुआ। नाम दिया, आपके नाम के आगे स्वामी लगता है, लेकिन आपने तो स्वामी के नाम को ही बदनाम कर दिया जाकर के, बिल्कुल बिग बॉस के अंदर जाकर के, कैसे नहीं बिल्कुल किया? बिल्कुल नहीं, स्वामी के नाम को जितना मैंने सुनाम किया है उतना आज तक के इतिहास में किसी शंकराचार्य ने नहीं किया है। लड़कियों के साथ नहाना स्विमिंग पूल ये सब तो में, सारा लड़कियों एक्टिंग का है। बेडरूम सर्च अभी आपने करना देखिए, मेरा अभी वगैरह, ओम जी फिल्म तो अंग्रेजी में शूट होने जा रहा है हॉलीवुड में, तो उसमें बहुत सारी मैं एक्टिंग करूंगा। एक्टिंग करेंगे आप लड़कियों के साथ भी? नहीं उसमें लड़कियों के साथ में मैं, चूंकि मेरी लाइफ बायोग्राफी पे है तो मैं लड़कियों के साथ में मैंने कोई प्यार का ड्रामा नहीं किया हुआ है, बिग तो बॉस इसलिए में वो तो यहाँ तो एक्टिंग था, ओम लीला थी तो एक भगवान। स्वामी एक्टिंग करता है क्या? हाँ स्वामी एक्टिंग भी करता है? भगवान भी एक्टिंग करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने तो आप एक्टिंग नहीं, भगवान है क्या? मैं भगवान का भक्त तो जरूर हूँ। भगवान तो नहीं है ना? भगवान तो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकता। तो फिर कैसे कर रहे हालांकि हैं? हालांकि सत्य साई बाबा ने, रजनीश ने
इन लोगों ने मेरे नाम के साथ में भगवान जोड़ दिया था, इन्होंने भगवान स्वामी ओम जी नाम मेरा किया था, लेकिन मैंने उसको कभी माना नहीं, ना मैं कभी मानूंगा, क्योंकि भगवान इंसान नहीं हो सकता, भगवान सिर्फ भगवान हो सकता। अच्छा स्वामी से शादी आपने की कि नहीं की? शादी मुझे करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि शादी के लिए, शादी जिस आनंद के लिए, क्षणिक आनंद के लिए लोग शादी करते हैं, वो आनंद प्राणायाम के माध्यम से, उससे करोड़ गुना आनंद मैं जब चाहूँ मैं अपने अंदर क्रिएट कर लेता हूँ इंटरनल प्राणायाम के माध्यम से, मुझे शादी की जरूरत नहीं। हाँ, और दूसरा, लोग शादी करते हैं सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए, मुझे सेक्सुअल एंजॉयमेंट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बचपन में ही मैंने बजरूली क्रिया की हुई है। मैं यदि लय लगा करके हजारों लड़कियां मेरे साथ में सेक्स कर ले तो भी मैं डिस्चार्ज नहीं, मुझे वो नहीं करा सकते, ना आज तक कोई करा पाया। इतना कॉन्फिडेंस भाई, वो साधना ही ऐसी है। बजरूली क्रिया का मतलब होता है जो लिंग है वो वज्र की तरह हो जाता है, मतलब पत्थर की तरह देखने में नहीं लगता, वो तो वैसे ही रहता है, मानव के जननेंद्रिय की तरह ही रहता है, लेकिन उसको चाहे जितना मर्जी हजारों लड़कियां कूद जाए उसको डिस्चार्ज नहीं, लड़कियां निचुर करके डिस्चार्ज होती जाएंगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिग बॉस के घर में जो 7 लड़कियां थी उन लोगों ने इसका दुष्प्रयास करने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने अपने बेड के नीचे मैंने 2-2 लट रखे हुए थे, मैंने बोल रखा था मेरा बेड भी छूओगी तो मैं फ्रैक्चर कर दूंगा, डर के मारे किसी ने पूरे शो के दौरान किसी ने मेरा बेड भी छूने की हिम्मत नहीं की।